नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अधिकतर लोग नस दबने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, साइटिका पेन की शिकायत है। साइटिका पेन में कमर से लेकर दर्द नीचे एड़ी तक जाता है और कभी कभी अंगूठे तक भी चला जाता है। और अधिकतर लोग एड़ी में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, घुटने में दर्द, जंघा प्रदेश में दर्द, जांग में खिंचाव, तो इस तरह के खिंचाव से, दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है। और कुछ लोग तो इतना परेशान है कि उनको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है और यहाँ तक कि वो लेट जाएं तो लेटने में भी उनको समस्या आती है। पैर फैलाने में दिक्कत होती है, पैर ठीक से फैला नहीं पाते क्योंकि नसों में खिंचाव होता है, और ठीक से नींद भी नहीं ले पाते, रात में बार बार उनकी आँख खुलती है। तो आज मैं आपको जो पूरी टांग में दर्द होता है, जिससे लोग परेशान हैं, उसी के बारे में बात करूंगी कि हम इसको कैसे ट्रीट करें और हमें दवाइयां भी ना खानी पड़े और बिना दवाइयों के ये बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, क्योंकि जब एड़ी से दर्द पूरी जंघा तक जाता है, पीछे कमर तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक से चल नहीं पाते, चाल बिगड़ जाती है, पैर खिसका के चलना पड़ता है, और जब चाल बिगड़ जाती है तो उसका असर दूसरे पैर पर भी पड़ता है और दूसरे पैर में भी दर्द होने लग जाता है। जब आपकी इस तरह की स्थिति आ जाए कि बहुत पेन होना शुरू हो गया है, तो उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पेन ज़्यादा ना बढ़े। और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है, तो उसी समय हमें क्योर करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उसका गलत इफ़ेक्ट दूसरे पैर के ऊपर ना पड़े। तो आज मैं आपको जो एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ, और वो बिल्कुल आसान है और आप उसको आराम से कर भी सकते हैं। पहले भी मैं कुछ वीडियोस में बताती आई हूँ, आज भी उसी तरह की चिकित्सा है, लेकिन उसका थोड़ा सा ढंग अलग है। जो हम चिकित्सा करेंगे तो देखते हैं वो चिकित्सा क्या है। ये मैं आपको एड़ी से लेकर और थाई तक जो दर्द है, नसों में खिंचाव है, पिंडलियों में दर्द है, इसके लिए मैं गर्म ठंडी सिकाई आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें दो बाल्टी लेनी है, एक बाल्टी में गर्म पानी रखना है और एक में ठंडा पानी रखना है। ठंडा पानी घड़े जैसा ठंडा हो, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप थोड़ा ज़्यादा ठंडा ले सकते हैं, और सर्दी का मौसम है तो फ्रेश पानी लें। तो स्टार्ट करते हैं सिकाई कैसे करनी है। ये जो पानी हमें लेना है, इसको पहले आप चेक कर लें ताकि ये तेज़ गर्म ना हो। इस पानी को हमें इस तरह से डालना है कि पूरी थाई, घुटने और नीचे एड़ी तक ये पानी अच्छे से चला जाए। तो जिस पाँव में आपके दर्द है, जिस पैर की नसें खिंच रही हैं, उस पैर में इसको सिकाई करें आप अच्छे से। और अगर आपके दोनों पैर में दिक्कत है तो एक बार एक घुटने पर पानी डालें और दूसरी बार दूसरे घुटने पर मग से पानी डालें। दोनों घुटनों पर साथ साथ सिकाई करते रहें, और ये सिकाई आपको घड़ी देख करके करनी है। तो ये 3 मिनट अब आपके पूरे हो गए हैं, अब ठंडे पानी की सिकाई करनी है। तो अब ठंडा पानी लेंगे, 1 मिनट के लिए ठंडे पानी की सिकाई करेंगे। तो ठंडा पानी भी हमें पैर पर, पूरे पैर पर इसी तरह से डालना है। इस तरह से हमें दोनों पैरों पर एक साथ डालते हुए चलना है। और अगर आपके दूसरे पैर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक पैर की भी सिकाई कर सकते हैं। 1 मिनट पूरा हो गया है, अब गर्म पानी डालेंगे। अब ये दूसरा राउंड है, इसमें गर्म सिकाई फिर से करेंगे 3 मिनट के लिए। पहले एक पैर पर डालेंगे, फिर दूसरे पैर पर डालेंगे। पैर को आपको इस स्थिति में रखना है जिससे कि पानी जब आप डालें तो दोनों तरफ, नीचे पैर की तरफ पूरा अच्छे से पानी आ जाए, एड़ी तक पानी आए। अब हमें ठंडा पानी डालना है। इस ठंडे पानी को हम एक मग एक टांग के ऊपर डालेंगे, फिर दूसरा मग दूसरे टांग पर डालेंगे, और हमें इस तरह से डालना है कि पानी पूरा नीचे एड़ी तक चला जाए। 1 मिनट पूरा हो जाए, फिर गर्म पानी डालें। 2 राउंड हो चुके हैं, ये 3रा राउंड है। अब 3रे राउंड की गर्म सिकाई हमने शुरू कर दी है। अब दूसरा मग दूसरे पैर पर डालें। 3 मिनट में ही हमें अपने दोनों पैर कवर करने हैं। अब ये 3 मिनट हो गए हैं, अब हमें ठंडा पानी डालना है।
इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। 4 राउंड जब पूरे हो जाएं तो ठंडे पे हमें समाप्त करना है। ये सिकाई इतनी अच्छी है कि आपके सारे दर्द, पैरों के खिंचाव, पिंडलियों में दर्द, सभी कुछ एक साथ ठीक हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की है। और जब पैर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो पैर में कितना भी दर्द हो, कैसा भी खिंचाव हो, गर्म ठंडी सिकाई करने से धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और जब हम पैर पर गर्म सिकाई करते हैं, गर्म ठंडी सिकाई करते हैं, तो हमें सिर के ऊपर एक ठंडे पानी का टॉवल भिगोकर रख लेना चाहिए, क्योंकि जब पूरे पैर पर सिकाई करते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी महसूस होती है। अगर आप उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो सिर के ऊपर ठंडे पानी का तौलिया भिगो के रख लें। और जिस पैर में आपके दर्द है उस पैर पर तो आपको सिकाई करनी ही है, लेकिन साथ साथ आप दूसरे पैर पर भी पानी डालते रहें, ताकि कुछ ना कुछ दिक्कत तो उस पैर में भी आ जाती है और वो भी इसके साथ साथ ही ठीक हो जाए। और जब आप ये सिकाई पूरी कर लें और आराम से बैठें, उसके थोड़ी देर बाद कोई भी दर्द निवारक तेल जो आपके पास हो आप उसको लगा करके अच्छे से मसाज करें। हाथ टाइट नहीं होना चाहिए, हल्के हाथ से करें, लेकिन तेल को स्किन के अंदर पहुंचाएं। और अगर आपके पास कोई दर्द निवारक तेल नहीं है तो आप लहसुन और अजवाइन का तेल भी बना सकते हैं, उससे मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक काम और भी करना है, नसों में दर्द और खिंचाव को कम करने के लिए रोज़ाना लहसुन वाला दूध ज़रूर बना के पिएं। तो लहसुन वाला दूध बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 1 गिलास पानी लेना है, और 5-7 कलियां लहसुन की कूट करके अच्छे से उसमें डाल देनी है और हल्के गैस पर उसको पकाना है। जब वो आधा रह जाए तो उसको नीचे उतारें, छानें और हल्का गर्म दूध घूंट घूंट करके पी लें। और अगर आप लहसुन वाला दूध नहीं पी सकते, वैसे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, आप चाहे उसको एक बार बना के ज़रूर पी कर देखें। और अगर आप लहसुन वाला दूध बिल्कुल पसंद ना करें तो आप इसके लिए दालचीनी और हल्दी वाला दूध बना करके पी सकते हैं। तो 1 गिलास दूध ले लें और उसमें खोल लगाएं, और जब उसमें उबाल आ जाए तो उसमें 1/2 चम्मच दालचीनी डाल दें और 1/4 चम्मच हल्दी का डाल दें। जब 1-2 खोल लग जाए तो गैस बंद कर दें और उसको गिलास में छाने और घूंट घूंट करके उसको पी लें। और अगर आप मीठा मिलाना चाहते हैं तो 1/4 चम्मच खांड मिला सकते हैं। अब बात करते हैं नसों में दर्द और खिंचाव होने का मुख्य कारण क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब ये जानते हैं कि जो नसों में इतना खिंचाव हो जाता है, दर्द होता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण, मेन कारण तो शरीर में वात बनना होता है। तो जिनके शरीर में वात की अधिकता होती है उनको इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, और जिनका पेट साफ नहीं होता उनके लिए भी ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता तो गैस बनती है, और गैस जब नसों में बैठती है और ब्लड वेसल्स के साथ पूरे शरीर में चक्कर लगाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो नसों के खिंचाव को कम करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना पेट साफ रखना चाहिए। तो पेट को साफ रखने के लिए आप नेचुरल तरीके अपना सकते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके लिए किसी भी तरह का लैक्सेटिव या मेडिसिन ना लें, क्योंकि उससे हमारी आंतें और भी ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो नेचुरल तरीके में आप 1 गिलास गर्म दूध करें और उसमें 1/2 चम्मच इसब घोल मिलाएं और उसको रोज़ाना रात को सोने से पहले पिए। इसब घोल हमारी आंतों में चिकनाई लाता है, रूखापन बिल्कुल नहीं लाता। इसके अलावा पेट को नेचुरल तरीके से साफ करने के लिए आप रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इससे भी हमारा पेट अच्छी तरह से साफ होने लगता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और इसके अलावा एक और भी नेचुरल तरीका है जो इनसे भी ज़्यादा नेचुरल है, जिसमें हमें कुछ भी ना खाना पड़ेगा ना पीना पड़ेगा, तो वो है वाटर एनीमा। अगर आप वाटर एनीमा ले सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नेचुरल है और सेफ़ भी है। जब वाटर एनीमा लेते हैं तो हमारी आंत का जो सबसे निचला वाला पार्ट होता है, 6 इंच का जो कॉलन वाला पार्ट होता है, ये वाटर उस वाले पार्ट में जो गंदगी आ जाती है उसको क्लीन करके बाहर ले आता है। तो इसके कोई नुकसान नहीं है। और जब वाटर एनीमा लेते हैं तो आंतों में रुकी हुई गैस निकलने लग जाती है,
और नेचुरल तरीके से हमारा पेट साफ होने लगता है। और पेट को साफ रखने के लिए ना तो आपको ये सब घोल लेना पड़े और ना ही त्रिफला लेना पड़े और ना ही वाटर एनिमा लेना पड़े, तो कुछ हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि इन तीनों चीज़ों से हम फ्री हो जाएं और हमारी आंतें इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि हमें इनमें से कुछ भी ना काम करना पड़े, कुछ भी ना लेना पड़े। तो उसके लिए आप रोज़ाना पेट के ऊपर सुबह शाम गर्म ठंडी पट्टी बांधें। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है, और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे, और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है ये ना खुले। ये पट्टी बन चुकी है, और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। ये पट्टी इतनी चमत्कारी होती है कि पेट के अंदर रुकी हुई गैस, तनावट, अफारा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है। आपका पेट अपने आप रोज़ाना साफ होने लगेगा। अब दर्द को ठीक रखने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं कि जब आपको ये दर्द हो रहा हो उस वक्त आप ठंडे पानी से बिल्कुल ना नहाएं, जब नहाएं तो हल्का गुनगुना पानी करें, ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि ठंडी चीज़ों से दर्द बढ़ता है, और कोशिश करें कि दिन में भी जब आप पानी पिए तो गर्म पानी पिए जब तक कि आपका दर्द पूरा ठीक ना हो जाए। इसके अलावा दही, मट्ठा, नींबू और आम की खटाई जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वातवर्धक चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, जितनी भी मोटी दालें हैं उनको अवॉइड करें, सादा भोजन करें। सादा भोजन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। तो जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई हैं अगर आप उन सबको फॉलो करेंगे तो जितना भी पैर में दर्द हो, नसों में खिंचाव हो, एड़ी में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, ऐंठन हो, खिंचाव हो, सब में पूरी तरह से आराम मिलेगा। इन सब दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जो आज जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।
फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।